बस बेटा तुम भी अलर्ट रहो और मैं भी स्टैंड बाई हूँ। दुआ करो कि वो बेवकूफ लड़की हमसे कांटेक्ट कर ले। मैं आज शाम तक तुम्हारी मामा के कहने पर इंतजार कर लूंगा, वरना मुझे आईजी से बात करनी पड़ेगी। टेक केयर एंड प्रे फॉर अस। साहब जी, सलाम अलैकुम। साहब जी। वालेकुम सलाम। मैं आसिया का भाई हूँ, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। कहो क्या बात। मैं तो आप जैसे नेक और फरिश्ता सिर्फ इंसान का एहसान मंद हूँ जी। वो बीबी जी की वजह से मेरी बहन आसिया सजावल नगर से इधर सेंटर में आई है जी। तो सर जी, मैं आज ना ऑफिस गया था, वो सैफ साफ है ना, उन्होंने जी मेरी बहन आसिया का पासपोर्ट, कुछ जरूरी कागजात और FIR की कॉपी मंगवाई थी जी, वो मैंने दफ्तर में जमा करा दी है। फिर सर जी, अल्लाह ताला आपको और बेगम साहिबा को हर परेशानी हर दुख से दूर रखे, खास तौर पर अपनी बेटी का दुख देखना नसीब ना हो आपको। आप तो हम गरीबों की दुआ लेते हैं जी, अल्लाह ताला आपका मर्तबा और बुलंद करे जी। वो कहना क्या चाहते हो तुम? वो जी, बेगम साहिबा आसिया को ना इंग्लैंड लेके जा रही थी, वो 3-4 केस और भी साथ है। तुमने कागजात सैफ के पास जमा करा दिए हैं ना, तो फिर अब क्या परेशानी है तुम्हें? सर जी, दफ्तर वाले बता रहे हैं कि इंग्लैंड से बड़े डॉक्टरों की टीम आई है जी। हाँ, शायद उन्होंने आना था। वो सैफ साहब कह रहे हैं कि बेगम साहिबा का दस्तखत चाहिए आसिया के कागजों पर, और वो आज ऑफिस नहीं आएंगी। वो जी, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे जी। अगर आप इजाजत दें तो मैं खुद कागज लेके बेगम साहिबा के पास हाजिर हो जाता हूँ जी। मुझे पता लगा कि अगर आज बेगम साहिबा ने कागजात पर साइन ना किए तो वो टीम कोई फैसला किए बगैर ही वापस चली जाएगी। देखो, आज तो वो ऑफिस नहीं आएगी, और अब तो ऑफिस का वक्त भी खत्म हो चुका है, और ये सब ऑफिस के मामलात हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर जी, कोई मेहरबानी करे हम गरीबों पर, मेरी बात तो सुने जी। हम पहले ही बहुत परेशान हैं, हमें अपनी पड़ी हुई है, आज कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। चले जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। सर जी, और सैफ को तो मैं देख लूंगा, अब वो ऑफिस के मामला विक्टिम्स के लवायतीन से शेयर करने लगा। नहीं नहीं सर जी, सैफ साहब को कुछ ना कहिएगा सर जी, अल्लाह आपकी परेशानियों को दूर करे सर जी। सवाल करने का मुझे कोई हक नहीं, और जवाब भी तुम्हारी मर्जी का होना चाहिए। तुम्हारी जुबान की तलखी बहुत वाज़े तौर पर ये बता रही है कि तुम्हारा वो फजूल मामा घर से होकर कैद काटना बहुत मुश्किल है, और कैद तन्हाई काटना नामुमकिन है। मुझे सिर्फ कैद काटने दो, अगर कभी कभार कोई मेरा अपना आ जाता तो कम से कम उस पर तो एतराज मत करो। मैं तुम्हें उन फजूल लोगों से मिलने की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि वो मेरे स्टेटस के नहीं है। तो फिर अपने रिश्तेदारों से मिलवा दो, वो तो तुम्हारे स्टेटस के है ना। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम हर काम अपने वक्त पर ही अच्छा लगता है नूर। Anyways, forget it. तुम क्यों चली कटी बातें करती हो, मेरा भी मूड खराब करती हो, खुद भी अपसेट होती हो। Look at this. तुम्हारी पसंद की हुई डायमंड रिंग। Now, may I have the pleasure, please? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। Hey! Oh, wow! I mean, it's such a great news. मैं बाप बनने वाला हूँ। बहुत खुश हूँ। I mean, I don't have any word में। Thanks a lot, नूर। और इस खुशी के मौके पर मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, तुम्हारा मामा जब आना चाहे तुम उससे मिलो, बुलाओ। Thank you, Zevi. You're welcome, sweetheart. क्यों मुझे बेवक्त डिस्टर्ब करते हो? आता हूँ आता हूँ। Sweetheart, actually, बस थोड़ी देर के लिए जाना होगा, पर हम लोग डिनर पे मिल रहे हैं। That's call for a party. Okay. 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 Thank you, Zevi. मामू, मुलाकात हो गई साहब जी से?
क्या कहा उन्होंने? साफ इनकार कर दिया जी। कहते हैं हम खुद बड़े परेशान हैं, बेगम साहिबा नहीं मिलेंगी। हाँ परेशान तो वो वाकई हैं, गलत नहीं कहा उन्होंने। पैसे वाले लोग हैं जी, पैसे में वादे काटे के अलावा और क्या परेशानी होनी है? क्यों, जिनके पास पैसा होता है वो इंसान नहीं होते? कोई परेशानी नहीं होती उन्हें? हो सकती होगी जी, पर हमारा ती बहन का मामला है, इससे बढ़ के कोई और परेशानी हो सकती है? बेटी और बहने तो सबकी होती है, इसमें कोई अमीर गरीब नहीं होता। और ये तू मुझे बार बार जीजी कह के क्यों बुला रहा है? मैं उस्तानी हूँ तेरी? कमाल है जी, मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूँ और आप खामखा नाराज हो रही। जिनकी इज्जत करनी चाहिए उनकी तो तू कर नहीं रहा। और कौन सी एम्बेसी से वीजा लगवाया तूने आसिया का, और कौन से अस्पताल से इलाज करा रहा है उसका? ये आप मुझे उजतें क्यों कर रही हैं जी? फिर जी, जक्को नाम है मेरा। जी जक्को जी। जक्को कहते हुए तकलीफ होती है? मैं कोई किसी फिल्म की हीरोइन हूँ जो मेरे नाम के आगे जीजी लगा रहा है? चल अब मस्कीन सी शक्ल बना ली। देखो जिन्होंने आसिया के लिए इतना कुछ किया है उन्हें कोई मसला ही होगा ना जो दस्तखत नहीं कर रहे। आप ठीक कह रही हैं जी, मेरा मतलब जक्को जी, मेरा मतलब सिर्फ जक्को। मैं माफी चाहता हूँ जी, फजूल ही बोल गया परेशानी में। मैं अब चलता हूँ, गाँव पहुँचने में भी टाइम लगेगा, मैं कल फिर आ जाऊँगा। अब तू वापस जाएगा गाँव, फिर आएगा? तू रुक जा यहीं पे, मैं विक्टिम सेंटर में तेरा इंतजाम करवा देती हूँ। नहीं जी, मैं कल आ जाऊँ। ठहर जा, मुझे साहब जी से बहुत डर लगता है, लेकिन मैं अम्मा को कहती हूँ वो उससे बात करेगी। सको तेरी बड़ी मेहरबानी। केक तो बड़ा जबरदस्त बेक किया था मेरी प्रिंसेस ने, और पास्ता मेरी क्वीन मॉम ने अमेजिंग बनाया, वाकई डिफरेंट रेसिपी थी। लो भाई, मेरी क्यूट प्रिंसेस के नेल्स भी फाइल हो गए। मामा मेरे पास एक आइडिया, आज हम सारी रात नहीं सोएंगे। ओ गुड आइडिया, एक आइडिया मेरे पास भी है, बाहर जाके हम दोनों किसी दरख्त पे बैठ जाती हैं। मामा ये क्या बात हुई? भाई जो सारी रात नहीं सोते वो दरख्तों पर ही तो बैठे होते हैं। मामा मार्केट चलते हैं और अच्छी मूवी लाकर देखते हैं। सीप मेरी बेटी, मेरा ख्याल है तुम्हें अब घर वापस जाना चाहिए। मामा क्या है, आपसे मेरी थोड़ी सी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है? आपका घर मेरा घर नहीं है ना? लेकिन तुम्हारे बाबा। मामा आप क्या हर वक्त बाबा की बातें लेकर बैठ जाती हैं? मैं आपके साथ उठना चाहती हूँ। हाँ लेकिन इस तरह बेटा तुम्हारे बाबा समझेंगे कि मैं तुम्हें प्रोवोक कर रही हूँ। अरसा हो गया आपको बाबा से सेपरेट हुए, लेकिन अभी तक आपके दिल से उनकी नाराजगी का खौफ नहीं जाता। मेरा ख्याल है बेटा तुम खुद वहां जाकर देखो। इन एनी केस सूरज गुरूब होने से पहले हमें शिमल को हर हालत में घर वापस लाना होगा। कहाँ भेज रहे हैं आप शामी को? ओके ओके बेटा, मुझे अपडेट करते रहना। वो कुछ बताएंगे भी इम्तनान? जहाँ जहाँ शिमल के जाने का इम्कान हो सकता है वहाँ वहाँ जाएगा शामी, ताकि जिसको नहीं भी पता उसे भी पता चल जाए कि हमारी शिमल बगैर बताए घर से चली गई है। ढंडोरा नहीं पीटेगा मेरा बेटा, समझदार है। लेकिन वो जाएगा कहाँ? लाहौर में जितने भी हमारे जानने वाले हैं एक एक से बहाने बहाने से पूछ चुकी हूँ, किसी को कुछ नहीं पता, कोई नहीं जानता शिमल के बारे में कुछ भी। अब जरा मुझे अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करने दो, अगर तुम इतनी अकलमंद होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। एक बेटी तो समाजी नहीं जा रही तुमसे, विक्टिम सेंटर की औरतों को पता नहीं कैसे हैंडल करती हो तुम। वो
बीबी जी, क्या बात है? शिमल बीबी का कुछ पता चला? पता कर रहे हैं, मेरा दिल कहता है वो जहां कहीं भी है महफूज है। वो बहुत समझदार लड़की है जी। अब साहब जी, वो सजावल नगर वाला बाहर आपका इंतजार कर रहा है। वो आसिया का भाई, वो कब साहब से मिलना चाह रहा है? अभी तक वो दफा नहीं हुआ। मैंने उसे कहा था दफ्तर जाकर बात करें, आज बेगम साहिबा नहीं मिल सकती उसे। इम्तनान आहिस्ता बोले, बाहर खड़ा है, सुन लेगा। दुआ करो लोग वो ना सुन ले जो कयामत इस घर में आज रात आने वाली है। उसे ऑफिस भेज दो सैफ के पास। जी अच्छा बेगम साहब। आ भाई, आए है किधर गया? ले चला गया, चलाना होए थे।